नमस्कार, रिपब्लिक हरियाणा पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम समय समय पर आपको हरियाणा की सियासत के रोचक किस्से और कहानियों के बारे में अवगत करवाते रहते हैं, इसी कड़ी में आपको एक ऐसा ही रोचक किस्सा बताते हैं चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी रणजीत सिंह के बारे में। यह साल 1990 की बात है जब चौधरी देवीलाल केंद्र की सियासत में सक्रिय हो गए थे। उसके बाद उनके दोनों बेटों ओम प्रकाश चौटाला और रणजीत सिंह में कुर्सी को लेकर लड़ाई छिड़ गई थी। यह लड़ाई इतनी अधिक तेज हो गई थी कि चौधरी देवीलाल बहुत अधिक निराश हो गए थे और इसी की वजह रही कि साल 1991 का विधानसभा चुनाव आया और चौधरी देवीलाल ने अपने दोनों ही बेटों को विधानसभा का चुनाव नहीं लड़वाया। आखिर वो पूरी कहानी क्या थी, इस पर आज नजर डालते हैं। चौधरी देवीलाल हरियाणा की राजनीति के बरगद की तरह हैं। राजनीति में उनका लंबा करियर रहा। 1952 में पहली बार विधायक बनने से पहले वे राजनीति में सक्रिय हो गए। अपने करीब 50 बरस के राजनीतिक सफर में साल 1990 में चौधरी देवीलाल के जीवन में एक ऐसा दौर भी आया जब वे किसी तरह का भी निर्णय लेने में असहज महसूस कर रहे थे। यह वो दौर था जब चौधरी देवीलाल के दोनों बेटों ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी रणजीत सिंह में वर्चस्व की लड़ाई चरम सीमा पर थी। खैर, चौधरी देवीलाल को अपने बड़े बेटे ओम प्रकाश चौटाला के दबाव के आगे झुकना पड़ा और उन्हें चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बिठा दिया। छोटे बेटे चौधरी रणजीत सिंह को राज्यसभा में भेज दिया। खुद चौधरी देवीलाल उस समय उप प्रधानमंत्री थे। पर इसके एक साल बाद 1991 के विधानसभा चुनाव में चौधरी देवीलाल अपने दोनों बेटों की इस लड़ाई से इतने दुखी हुए कि दोनों को ही विधानसभा चुनाव नहीं लड़वाए। दरअसल साल 1987 में चौधरी देवीलाल दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने अपनी कैबिनेट में अपने छोटे बेटे चौधरी रणजीत सिंह को कृषि मंत्री बनाया। चौधरी रणजीत सिंह 1987 में पहली बार रोड़ी से चुनाव जीतकर विधायक निर्वाचित हुए थे। हालांकि इससे पहले ओम प्रकाश चौटाला 1970 में इलाहाबाद से उपचुनाव जीतकर राजनीति में सक्रिय हो गए थे। पर देवीलाल ने उसके बाद कभी भी अपने किसी बेटे को 1987 से पहले हुए किसी भी चुनाव में खड़ा नहीं किया। खैर, 1987 से लेकर 1989 तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसके बाद परिस्थितियां बदली और समय ने भी करवट ली। 1989 में देश में लोकसभा के चुनाव हुए। यह वह दौर था जब कांग्रेस के खिलाफ तीसरा मोर्चा पूरी तरह से एकजुट था। वीपी सिंह, चौधरी देवीलाल, चंद्रशेखर सहित भाजपा के तमाम बड़े नेता तीसरे मोर्चे के बैनर तले सक्रिय थे। खैर, चुनाव हुए और तीसरे मोर्चे को बहुमत मिला। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री बन गए। यहीं से शुरू हुआ चौधरी देवीलाल के बेटों चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी रणजीत सिंह में चौधर को लेकर जंग का सिलसिला। ओम प्रकाश चौटाला विधायक नहीं थे और मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। अपने पिता की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे चौधरी रणजीत सिंह भी मुख्यमंत्री बनने की जुगत में थे, पर चौधरी देवीलाल ने अपने बड़े बेटे चौटाला को अपना सियासी वारिस बना दिया और 1989 के अंत में ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पहली बार मुख्यमंत्री बन गए। चौधरी रणजीत सिंह उनकी कैबिनेट में कुछ समय तक मंत्री रहे, पर चौधरी रणजीत सिंह अपने पिता के फैसले से खुश नहीं थे। देवीलाल भी इन सारी परिस्थितियों से बड़े दुखी थे। उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार राजीव शुक्ला को उन दिनों दिए एक इंटरव्यू में भी कहा था कि दोनों चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, क्या करें। ये लड़ाई तो आप पूछोगे कि वीपी सिंह या अर्जुन सिंह लड़ाई क्यों रहती है। अब ये भी सवाल पूछोगे,
लड़ाई तो रहती है राज के काम के लिए। हर आदमी जो पॉलिटिक्स आता है वो अपनी चलाने का है। दोनों पॉलिटिक्स में हैं, दोनों प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं, दोनों चीफ मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं। इसका इलाज आप पास नहीं, मेरे पास नहीं, इसका इलाज ये कि मानो दूसरे छोड़ो। खैर 1990 में ही विधायक बनने के लिए चौटाला ने महम उपचुनाव से ताल ठोक दी। इसी दौरान महम में हिंसा हुई, हिंसा में कई लोग मारे गए। दो बार उपचुनाव हुआ, नतीजे नहीं आए, आखिरकार महम का उपचुनाव ही रद्द करना पड़ा। इसी बीच ओम प्रकाश चौटाला दड़बा हलका से उपचुनाव जीतकर विधायक बन गए, पर कुर्सी को लेकर चौटाला और चौधरी रणजीत सिंह की जंग जारी थी। इसी बीच साल 1991 में विधानसभा का चुनाव हुआ। अपने बेटों की आपसी लड़ाई से देवीलाल इतना आहत हुए कि उन्होंने अपने दोनों ही बेटों को विधानसभा का चुनाव ही नहीं लड़वाया। हालांकि इसके बाद 1993 में हुए नरवाणा उपचुनाव के जरिए चौटाला विधायक बन गए। इसी साल ही चौधरी रणजीत सिंह ने भी लोकदल से किनारा कर लिया और वे कांग्रेस में चले गए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से चौधरी देवीलाल केंद्र की सियासत में सक्रिय हुए। उसके बाद उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी रणजीत सिंह में कुर्सी को लेकर एक लंबी लड़ाई चली। इस लड़ाई में आखिरकार बाजी जो है वो ओम प्रकाश चौटाला के हाथ लगी। वो मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब देवीलाल अपने दोनों बेटों की इस लड़ाई से इतने आहत हो गए कि उन्होंने 1991 के विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट ही नहीं दिया। हालांकि बाद में इस कुर्सी की पूरी लड़ाई में ओम प्रकाश चौटाला के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद और उसके बाद चौधरी देवीलाल की ओर से उन्हें अपना सियासी उत्तराधिकारी बनाए जाने के बाद चौधरी रणजीत सिंह किस तरीके से कांग्रेस में चले गए। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल रिपब्लिक हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो हमारे पेज रिपब्लिक हरियाणा को फॉलो कीजिए। आप देखते रहिए रिपब्लिक हरियाणा।